आप सभी को यहाँ पे केपीजे स्टार की तरफ से चयन। तो आप सबको बता दूं, यहाँ पे पूरे भारत के युवाओं के लिए, पूरे भारत के लड़कों के लिए और पूरे भारत की लड़कियों के लिए काफी बड़ी जो खुशखबरी है वो यहाँ पे निकल के आ चुकी है। एसएससी की तरफ से एक और जो नई भर्ती है वो यहाँ पे निकल के आ चुकी है, जिसके लिए आपके जो ऑनलाइन आवेदन है वो यहाँ पे लगना शुरू हो चुके हैं। आप सभी यहाँ पे देख सकते हैं कि आपके जो ऑनलाइन आवेदन है वो यहाँ पे 3 तारीख से लगना शुरू हो चुके हैं, यानी कि 3 अप्रैल से, और 3 मई इसकी लास्ट डेट है ऑनलाइन आवेदन करने की। इस भर्ती के बारे में आपको पूरी जानकारी देंगे। उससे पहले मैं आप सबको बता दूं, अगर आप अग्निवीर आर्मी रिटर्न एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे पास इसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है वो यहाँ पे आ चुके हैं। 55 PDF है, ₹250 हमने इसका प्राइस रखा है, और 70% भाई लोग हम आपको गारंटी दे रहे हैं कि 70% जो क्वेश्चन है अग्निवीर के एग्जाम में आपको हमारे PDF में से देखने को मिलेंगे। अगर आप ये PDF लेना चाहते हैं, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस नंबर पे हमें मैसेज कर दीजिए। सबसे पहले आपको ₹250 पेमेंट करनी पड़ेगी। जैसे आप पेमेंट करोगे हम उसी टाइम जो PDF है आपके व्हाट्सएप पे सेंड कर देंगे। तो आप सबको बता दूं, यहाँ पे SSC की तरफ से जो नई भर्ती है वो यहाँ पे निकल के आ चुकी है, जिसके लिए आपके जो ऑनलाइन फॉर्म है वो यहाँ पे लगना शुरू हो चुके हैं। आप सभी यहाँ पे देख सकते हैं कि SSC की तरफ से CGL की जो नई भर्ती है कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल की वो यहाँ पे निकल के आ चुकी है, जिसके लिए आपके ऑनलाइन फॉर्म यहाँ पे 3/4/2023 से शुरू हो चुके हैं, और लास्ट डेट की बात करूं 3/5/2023 इसकी लास्ट डेट रहने वाली है। और इसमें यहाँ पे देख सकते हैं कि इसका जो एग्जाम है July 2023 में यहाँ पे करवाया जाएगा। एप्लीकेशन फी की बात कर लूँ, जनरल OBC की ₹100 रहेगी, SC ST PH के लिए कोई फी नहीं है, और फीमेल कैंडिडेट के लिए भी इसमें कोई भी जो फी है वो यहाँ पे नहीं रखी गई है। इसमें मैं आपको बता दूं, जो आपकी एज है 27 से 30, 27 से 32 साल तक जो एज है वो यहाँ पे रखी गई है। पोस्ट वाइज इसमें जो आपकी एज है वो यहाँ पे रखी गई है। वैकेंसीज की बात करूँ तो आपको बता दूं 7,500 जो आपकी वैकेंसीज है, 7,500 वो यहाँ पे निकाली गई है। इसमें देख सकते हैं यहाँ पे बैचलर डिग्री जो आपकी है वो यहाँ पे मांगी गई है, यानी कि 10th एंड 12th लेवल की ये जो वैकेंसीज है वो यहाँ पे नहीं है। इसमें आपकी कम से कम जो ग्रेजुएशन है वो यहाँ पे होनी चाहिए। आप सभी यहाँ पे देख सकते हैं, ग्रेजुएशन बैचलर डिग्री जो आपकी है वो यहाँ पे इसमें मांगी गई है। तो बाकी ये जो नई वैकेंसी है वो यहाँ पे निकाली गई है, जिसमें यहाँ पे अगर आपकी ग्रेजुएशन है तभी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर आप भी घर बैठे नई से नई भर्तियों के बारे में बिल्कुल सही जानकारी पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तब तक जय हिंद, जय भारत।